नमस्कार, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15 अनुपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम BSc फाइनल ईयर के लिए हमारा जो टॉपिक था एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, उसी को आगे कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, उसी के अंदर हम आगे बात कर रहे हैं। लास्ट हमने ब्लैक बॉडी के बारे में बात की थी और उससे पहले हमने क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, किस तरीके से और किसी तरंग के गुण क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था। उन सब चीज़ों का आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं बड़े आराम से, और अगर कोई कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप वो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आज स्टार्ट करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है, हम आगे ब्लैक बॉडी को ही और पढ़ रहे हैं, ब्लैक बॉडी के बारे में ही और आगे डिस्कशन कर रहे हैं। और ब्लैक बॉडी के बारे में देखिए, हमने बात की थी अवशोषणांक इकाई के बराबर होता है, इसकी टोटल इमोशन पावर होती है। अब हम किरचॉफ के नियम के बारे में बात कर रहे हैं, किरचॉफ का नियम क्या होता है। हम बात कर रहे हैं किरचॉफ के नियम के बारे में। किरचॉफ का नियम देखिए क्या होता है। किरचॉफ का नियम है, इस नियम के अनुसार किसी दिए गए ताप पर समस्त पिंडों की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषकता का अनुपात स्थिर होता है। तो ई जो होती है इसको कहते हैं अवशोषण क्षमता, और लैम्डा होती है अवशोषकता। तो इसका मतलब है ई अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ई1 अपॉन लैम्डा 1। कितने भी हमारे पास पिंड हो तो हम इसको कह सकते हैं ई अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ई1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू ई2 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू ई3 अपॉन लैम्डा 3। तो इस तरीके से हमारे पास कितने भी पिंड हो, किसी दिए गए ताप पर उनकी उत्सर्जन क्षमता ई और उनकी अवशोषकता लैम्डा का अनुपात स्थिर होता है। ई तथा लैम्डा एक कृष्णिका के लिए, एक ब्लैक बॉडी के लिए उत्सर्जन क्षमता और अवशोषकता है, जबकि ई1 और लैम्डा किसी दूसरे पिंड के लिए उत्सर्जन क्षमता और अवशोषकता है। चूंकि ये कृष्णिका के लिए लैम्डा बराबर 1 होगा, अतः तथा अन्य समस्त पिंडों के लिए जो लैम्डा 1 होता है वो 1 से छोटा होता है, अतः ई1 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ई है वो ई1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक कृष्णिका सर्वोत्तम अवशोषक होने के साथ साथ, क्योंकि ई यहाँ पर बड़ा है, तो इसका मतलब इसका उत्सर्जन क्षमता ज्यादा है। अवशोषक तो इसलिए है क्योंकि लैम्डा बराबर क्या है, लैम्डा बराबर 1 है, ठीक है। तो और बाकी सभी के लिए जो लैम्डा 1 है, लैम्डा 1 से 1 बड़ा होगा, तो लैम्डा बराबर 1 है तो सबके बड़े ये माना गया। और उसके बाद ई जो होता है वो ई1 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब कृष्णिका अवशोषक भी है और उसके साथ साथ उत्सर्जक भी है। कृष्णिका विकिरण के अध्ययन से 3 प्रकार के नियमों का हमें पता चलता है, जिसमें सबसे पहला नियम है वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। विलहेम वीन ने इस नियम को दिया, ने कृष्णिका के ताप तथा उसके विकिरणों के उच्चतम तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम वेवलेंथ के मध्य एक संबंध को बताया, जिसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। तो ये किस किस के बीच में है, ये है कृष्णिका के ताप टी के बीच में और विकिरणों के उच्चतम तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बीच में एक संबंध है, जिसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार उच्चतम उत्सर्जन क्षमता वाली, जिसकी उत्सर्जन क्षमता उच्चतम होती है, उच्चतम उत्सर्जन क्षमता वाली तरंग के तरंग दैर्ध्य का मान, उच्चतम उत्सर्जन क्षमता वाली तरंग के तरंग दैर्ध्य का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ताप के रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात ताप बढ़ाने से लैम्डा मैक्सिमम के मान में कमी आती है, गणितानुसार लैम्डा मैक्सिमम व्युत्क्रमानुपाती है 1/T के, तो लैम्डा मैक्सिमम किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1/T के। यहां हम इसको लिख सकते हैं t लैम्डा मैक्सिमम बराबर किसके होता है b के। b यहां पर एक स्थिरांक है जिसे हम वीन कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी प्रायोगिक वैल्यू होती है 2.9×10⁻³ मीटर केल्विन। वीन के अनुसार कृष्णिका विकिरण की अधिकतम उत्सर्जन क्षमता मतलब एमिशन पावर ईएम का भी ताप के साथ संबंध होता है। यहां पर तो इसने किसका बताया, लैम्डा मैक्सिमम उच्चतम उत्सर्जन क्षमता। अब इसके अलावा उसने एक और बताया कि जो उत्सर्जन क्षमता है, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता मतलब ई मैक्सिमम जो है,
ई मैक्सिमम जो है यहां पर तो वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में संबंध बताया गया है, जबकि इसी के साथ साथ जो वीन ने एक और चीज बताई वो ये बताई कि इसकी अधिकतम उत्सर्जन क्षमता अर्थात ई एम का भी जो टेम्परेचर है उसके साथ में संबंध होता है। तो ई एम इज रिवर्सली ई एम इज प्रोपोर्शनल टू टी पावर 5, मतलब ई एम जो होता है वो टी की 5 घात के समानुपाती होता है। तो हम ये कह सकते हैं ई एम अपॉन टी 5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समीकरण 1 और 2 की सहायता से अब एक संबंध को हम बना सकते हैं, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए लैम्डा माइनस 5 डॉट एफ द फैक्टर ऑफ लैम्डा एंड टी डॉट डी लैम्डा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां ए लैम्डा डी लैम्डा स्पेक्ट्रम के लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा। अब कोई स्पेक्ट्रम हमारे पास है उसका लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक का कोई क्षेत्र है, उसके बीच वाली भाग में कृष्णिका द्वारा ताप टी पर उत्सर्जित की गई ऊष्मा है, कृष्णिका द्वारा ताप टी पर उत्सर्जित की गई ऊष्मा है। लैम्डा एक स्थिरांक है और फंक्शन ऑफ लैम्डा टी का कोई फलन है, मतलब जो एफ है वो लैम्डा टी का कोई फलन है। वीन का नियम तरंग दैर्ध्य के उच्च मानों के लिए संतोषजनक रूप से लागू होता है, मतलब अगर हमारे पास वेवलेंथ की बहुत ज्यादा वैल्यू हो तो वहां पर वीन का नियम लागू होगा, लेकिन निम्न तरंग दैर्ध्य के मानों के लिए विकिरण की व्याख्या करने में यह नियम असफल रहता है। मतलब जब हमारे पास वेवलेंथ ज्यादा होती है तब ये नियम लगता है, जब हमारे पास वेवलेंथ कम होती है तब इस नियम का प्रयोग हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए आगे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल करेंगे हम इसी पर, फिर हम स्टीफन का नियम करेंगे। देखिए हम इसका एग्जाम्पल करने के बाद स्टीफन का नियम करते हैं। देखिए यहां पर हम बात करते हैं सूर्य के ऊर्जा स्पेक्ट्रम के बारे में, सूर्य का ऊर्जा स्पेक्ट्रम किस प्रकार से है, और एक एग्जाम्पल हम करेंगे वीन के विस्थापन नियम की सहायता से। टी की वैल्यू हम ज्ञात कर रहे हैं, सूर्य के ऊर्जा स्पेक्ट्रम में 4840 पर अधिकतम ऊर्जा का विकिरण होता है, मतलब जब जो लैम्डा है उसका मान जब 4840 हो जाएगा तब इस पर अधिकतम लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू जब 4840 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी तब इस पर अधिकतम ऊर्जा का विकिरण होगा। सूर्य को एक कृष्णिका विकिरण मानकर, हम ये यहां पर ये मान रहे हैं कि सूर्य एक कृष्णिका विकिरण है अर्थात ब्लैक बॉडी है, अर्थात वह जितने प्रकाश का अवशोषण करता है उतने ही प्रकाश का उत्सर्जन भी कर सकता है। तो सूर्य को हमने एक ब्लैक बॉडी मान लिया, तो उसके टेम्परेचर का परिकलन करेंगे जो कि यहां पर बहुत ज्यादा आ रहा है। यदि वीन स्थिरांक की वैल्यू 2.98 × 10⁻³ एम के हो तो वीन के नियमानुसार टी लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू बी। तो वीन का नियम यह कहता है कि टी लैम्डा मैक्सिमम किसके बराबर होता है, बी के। तो लैम्डा मैक्सिमम बराबर किसके होगा, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हमें दे रखी है 4840 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम मीटर में चेंज करते हैं 4840 × 10⁻¹⁰ मीटर। तो टी बराबर क्या जाएगा, टी बराबर 2.898 × 10⁻³ अपॉन 4840 × 10⁻¹⁰। ठीक है, तो जब आपस में इनको काटेंगे तो यहां से क्या आएगा, केल्विन में, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो केल्विन में जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 5987.6 केल्विन, 59.876 केल्विन। मतलब अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में बात करें तो इसके साथ में 273 को और ऐड कर दिया जाएगा, तो ये आपके लगभग 6000 से ऊपर डिग्री सेल्सियस के आसपास की वैल्यू यहां पर हो जाएगी। उसके बाद है स्टीफन का नियम, सन 1879 में, 2017 में एक नंबर का क्वेश्चन इस पर आया है, सन 1879 में स्टीफन के द्वारा इस नियम को बताया गया। उनके अनुसार किसी कृष्णिका की सतह से, कोई हमारे पास ब्लैक बॉडी है और उसकी सतह से, उसका जो सरफेस है उससे, ब्लैक बॉडी की सतह से इकाई समय में, यूनिट टाइम में, मतलब एक घंटे में, एक मिनट में, एक सेकंड में, इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल द्वारा उत्सर्जित संपूर्ण ऊर्जा उसके परम ताप की 4थी घातांक के समानुपाती होती है। तो E इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 अथवा E इज इक्वल टू सिग्मा टी 4। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं 1879 में स्टीफन ने इस नियम को दिया और उनके अनुसार किसी कृष्णिका की, किसी ब्लैक बॉडी की सतह से, किसी कृष्णिका की सतह से इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल द्वारा, यूनिट टाइम में यूनिट एरिया द्वारा उत्सर्जित संपूर्ण ऊर्जा उसके परम ताप के 4थी घातांक के समानुपाती होती है। उत्सर्जित संपूर्ण ऊर्जा उसके परम ताप अर्थात उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी के 4थी घातांक के समानुपाती होती है, टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है।
तो इसको हम लिख सकते हैं E समानुपाती T4 अथवा E is equal to sigma T4। यहाँ sigma को स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहा जाता है और इसका प्रायोगिक मान होता है 5.67 into 10 to the power minus 8 W वाट से M minus 2 Kelvin minus 4, अर्थात किसी कृष्णिका की एक सेंटीमीटर स्क्वायर सतह से 1000 केल्विन ताप पर, देखो हमने सेट कर दिया कि एक सेंटीमीटर सतह है, 1000 केल्विन ताप है, पर लगभग 5.7 वाट किरणों का उत्सर्जन होता है। यदि समस्त तरंगदैर्ध्य को ध्यान में रखा जाए, मतलब सभी प्रकार के तरंगदैर्ध्य को देखें, तो 5.7 वाट का उससे उत्सर्जन होगा। ये क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट है सिग्मा, और उसकी वैल्यू होती है 5.67 इनटू 10 टू द पावर माइनस 8 वाट मीटर माइनस 2 के माइनस 4। तो अब यहां पर केल्विन माइनस 4, तो यहां पर इसी को 5.7 लिखा गया। उसके बाद में नेक्स्ट, यदि कृष्णिका की सतह का क्षेत्रफल ए है, यदि कृष्णिका की सतह का क्षेत्रफल ए है तथा समय यहां पर क्या है, समय टी है, तो उत्सर्जित ऊर्जा इज इक्वल टू ए सिग्मा टी पावर 4 स्मॉल टी। कृष्णिका के सतह का क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया, ए, समय हमने मान लिया टी, तो अब उसी की जगह पर आ जाएगा ये, तो ई बराबर क्या होता है, सिग्मा टी की पावर 4 होता है, तो इसका क्षेत्रफल ए मान लिया और समय हमने टी मान लिया। ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो भेड़े इस सिद्धांत के कारण ही वहां के उच्च ताप में समय को अनुकूल रखती है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक भेड़ होती है मेरिनो, जिसकी खाल को कृष्णिका माना जाता है, ब्लैक बॉडी माना जाता है, वहां पर गर्मी भी काफी पड़ती है, टेम्परेचर भी काफी होता है, लेकिन उसकी जो खाल होती है जिस पर काले बाल पाए जाते हैं वो एक ब्लैक बॉडी रेडिएटर के रूप में काम करती है, अर्थात जितने विकिरणों का अवशोषण करती है उतने ही विकिरणों को वहां से उत्सर्जित कर देती है, जिससे उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं बढ़ पाता कि जो भेड़ है उसको किसी प्रकार की शारीरिक हानि हो। नेक्स्ट देखिए उदाहरण नंबर 3 इसी का। लोहे की एक पतली चद्दर का क्षेत्रफल 350 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसे पूर्ण कृष्णिका मानते हुए 627 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें तो सतह द्वारा प्रति मिनट ऊर्जा के विकिरण का परिकलन कीजिए। लोहे की एक पतली चद्दर का क्षेत्रफल 350 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसे हम फुल ब्लैक बॉडी माने और इसको 627 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें तो सतह द्वारा प्रति मिनट ऊर्जा विकिरण का परिकलन कीजिए। सिग्मा की वैल्यू यहां पर 5.7 इंटू 10 के पावर माइनस 8 जूल सेकंड इनवर्स मीटर माइनस 2 केल्विन माइनस 4 होता है। स्टीफन के नियमानुसार E is equal to A sigma T की पावर 4T, तो A की वैल्यू यहाँ पर 350 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, तो 350 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर में इसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास मीटर में, ये सिग्मा की वैल्यू मीटर में दे रखी है, इस वजह से सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी है 5.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8, और टी अगर ये मीटर में है तो उसको टी को भी केल्विन में चेंज कर लेते हैं, तो 627 प्लस 273 900 केल्विन हो जाएगा। टी बराबर एक मिनट है, इसको हम सेकंड में चेंज कर दें, क्योंकि हमारे पास एमकेएस पद्धति के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सेकंड के अंदर ही होता है। मान रखने पर ई इज इक्वल टू ए की वैल्यू रखती 350 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू रखती 5.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8, टी की वैल्यू यहां पर हमने रख दी 900 केल्विन, 900 केल्विन की पावर 4 करेंगे और 60 सेकंड, इन सभी को गुणा करेंगे तो उससे हमारे पास वैल्यू आती है 78,535 जूल मीटर इनवर्स, जिसको किलो जूल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 78.5 किलो जूल मीटर इनवर्स के अंदर ये चेंज हो जाएगा। तो ये आप क्वेश्चन यहां से बड़े आराम से देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में क्या समझाने का प्रयास किया गया है उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं, उसको भी आप यहां से देख सकते हैं। तो दूसरा नियम था वीन का विस्थापन नियम, पहला नियम था सॉरी दूसरा नियम था स्टीफन का नियम, पहला नियम था वीन का विस्थापन नियम। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में, और तीसरा नियम है रेले और जींस का नियम, रेले जींस का नियम, रेले जींस का नियम। तो इसको देखिए, इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक आवर्ती दोलकों का समूह है, मतलब ऑसिलेटर्स हैं वो, और ऑसिलेटर्स क्या करते हैं, वहां पर दोलन करते रहते हैं, इस तरीके से घूमते रहते हैं। प्रकाश की प्रत्येक संभावित आवृत्ति, जो भी हमारे पास आवृत्ति हो सकती है न्यू, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, मतलब एक आवर्ती दोलक है। अतः प्रकाश की किसी आवृत्ति न्यू का प्रकट होना, अर्थात उस तरंगदैर्ध्य का प्रकट होना, उस आवृत्ति के दोलक का उत्तेजित होना है, मतलब जो प्रकाश की आवृत्ति होती है वो क्या होता है, एक ऑसिलेटर होता है, दोलक होता है। तो अगर किसी प्रकाश की आवृत्ति प्रकट होगी तो उसका मतलब क्या है कि उसके आवृत्ति के दोलक उत्तेजित हो जाएंगे। किसी दोलक के टी ताप पर औसत ऊर्जा के टी के बराबर होती है, के यहां पर बोल्ट्जमान कांस्टेंट है,
अतः तरंग दैर्ध्य लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य का ऊर्जा घनत्व, वेवलेंथ लैम्डा से डी लैम्डा के मध्य का ऊर्जा घनत्व, उसके इकाई आयतन के दोलकों की संख्या, उसके इकाई आयतन के दोलकों की संख्या डी एन लैम्डा तथा उसकी औसत ऊर्जा के टी के गुणनफल के बराबर होता है। डी एन लैम्डा तथा उसकी औसत ऊर्जा के टी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात डी यू लैम्डा बराबर के टी एन लैम्डा। एन का मान रखने पर समीकरण निम्न रूप ले लेगी। अब एन की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, तो हम यहाँ पर अगर एन का मान रखेंगे तो समीकरण आ जाएगा डी यू लैम्डा इज इक्वल टू रो लैम्डा डी लैम्डा। तो आगे इसी समीकरण को अगर अपने चेंज करें तो क्या आ जाएगी, ये समीकरण यहाँ तक है। उसके बाद पहली समीकरण है रो लैम्डा इज इक्वल टू ए पाई के टी अपॉन लैम्डा फोर। रो को यहाँ पर अवस्था घनत्व कहते हैं, रो यहाँ पर अवस्था घनत्व के लिए डेंसिटी के लिए आता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट है। और इसका अर्थ ये हुआ कि अवस्था घनत्व इनटू तरंग दैर्ध्य का क्षेत्र, ये अवस्था घनत्व और ये लैम्डा से डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य का क्षेत्र है, बराबर किसके होगा लैम्डा और लैम्डा प्लस के मध्य का ऊर्जा घनत्व। तो ये किसके बराबर होगा लैम्डा और लैम्डा प्लस के मध्य का ऊर्जा घनत्व। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा घनत्व अर्थात डी यू इनटू तरंग दैर्ध्य का आयतन अर्थात लैम्डा बराबर किसके होगा उस क्षेत्र में विकिरण के कारण उत्पन्न कुल ऊर्जा के बराबर होगा, अर्थात उस क्षेत्र में कितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई है किसी विकिरण के कारण उसके बराबर होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर यहां से कोई ग्राफ खींचा जाए उसके बाद हम प्लैंक के जो फोटोन नियम है, प्लैंक का जो रेडिएशन नियम है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए इसके अनुसार ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य के मध्य खींचा गया वक्र बिना शिखर प्राप्त किए लगातार बढ़ता रहेगा। इसका मतलब ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य के बीच में अगर हम कोई ग्राफ खींचे तो उसका कोई शिखर नहीं आएगा, वह लगातार आगे चलता रहेगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि बहुत कम तरंग दैर्ध्य वाले दोलक अर्थात जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है अर्थात जिनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, जैसे यूवी लाइट होगी, एक्स किरणें होगी, सामान्य कमरे के ताप पर भी बहुत उत्तेजित अवस्था में होने चाहिए। अब अगर इसने ये कहा कि जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे तरंग दैर्ध्य के बीच में जो वक्र है वो सीधा निकलता जाएगा, तो उसके आधार पर तो एक निष्कर्ष निकला कि जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होगी उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है उनकी, तो सामान्य कमरे के तापमान पर ही वो उत्तेजित होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं। इसको स्पष्ट करने के लिए प्लैंक ने अपना नियम दिया जिसको प्लैंक का विकिरण नियम कहते हैं। प्लैंक का विकिरण नियम देखो, प्लैंक के विकिरण नियम में उपयुक्त समस्या का उष्मगतिकी अध्ययन किया। रेले जींस तो ये कहता है इस तरीके से बढ़ता जाएगा, इसको आगे अपने करेंगे। अब प्लैंक के नियम के अनुसार उन्होंने कहा कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड अर्थात ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड अर्थात ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, अर्थात किसी दी गई आवृत्ति के दोलक के विकिरण की ऊर्जा कुछ निश्चित मानों तक सीमित होती है। हमारे पास कोई दोलक ऑसिलेटर है जिसको हमने माना है कि जो विकिरण है वो ऑसिलेटर की तरह काम करता है, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की, या हम ये कह दें आवृत्ति ऑसिलेटर की तरह काम करता है, और उसकी जो ऊर्जा होगी उसका कोई सीमित मान होगा। हम ऐसे नहीं कह सकते कि उसकी ऊर्जा जो होती है उसको असीमित तौर पर मान दिया जाए, ऐसा नहीं होता, उसका कोई सीमित मान होता है। हाँ जी, अर्थात किसी दी गई आवृत्ति के दोलक के विकिरण की ऊर्जा कुछ निश्चित डिस्क्रीट मानों में सीमित होती है, ऐसा नहीं है कि स्वेच्छा से उसका कुछ भी मान मान लिया जाए। इनके अनुसार न्यू आवृत्ति वाले एक दोलक के लिए समस्त स्वीकार्य ऊर्जाएं एच न्यू के पूर्णांक गुणज के बराबर होंगी, इसीलिए इन्होंने कहा है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो इसका मतलब यह है कि न्यू आवृत्ति अगर किसी की है तो उसके लिए जो ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, एच न्यू या उसके गुणज के बराबर होगी। एच न्यू हो सकता है 2H न्यू, हो सकता है 3H न्यू, हो सकता है 4H न्यू, हो सकता है पूर्ण गुणज के बराबर होगी। किसी आवृत्ति दोलक की ऊर्जाएं 0H न्यू 2H न्यू आदि हो सकती है। यहाँ H एक स्थिरांक और जिसे प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं 6.62 × 10⁻³⁴ J/s। इसी प्रकार यदि न्यू आवृत्ति वाली कोई प्रकाश की किरण हो तो हम यह मान सकते हैं कि वह अगर किसी प्रकाश की किरण की आवृत्ति न्यू है तो हम यह मान सकते हैं कि उसके अंदर जितने भी गण हैं उन सभी गणों की ऊर्जा एच न्यू होगी और इन गणों को हम फोटॉन कहेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई किरण किसी क्षेत्र में ई ऊर्जा लेकर जा रही है तो वहां पहुंचने वाले कणों की संख्या ई अपॉन एच न्यू के बराबर होगी, अर्थात किसी क्षेत्र में कोई किरण ई ऊर्जा लेकर जा रही है तो वहां पर जितने कण पहुंचेंगे उनकी जो ऊर्जा होगी या उनकी जो संख्या होगी वो ई अपॉन एच न्यू के बराबर होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लैंक सिद्धांत के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट के बारे में। तो देखिए यदि प्लैंक के सिद्धांत को कृष्णिका विकिरणों पर लागू किया जाए, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पर लागू किया जाए तो प्रायोगिक तथ्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है।
एक कृष्णिका की दीवारों के कण थर्मल मोशन में होते हैं, अर्थात उसके जो दीवारें होते हैं वो ऊष्मीय गति करते रहते हैं और इसी गति के कारण विद्युत चुंबकीय दोलक उत्तेजित हो जाते हैं। यही गति होती है जिसके कारण विद्युत चुंबकीय दोलक उत्तेजित हो जाएंगे तथा साम्यावस्था में कृष्णिका की दीवारों और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के मध्य किसी ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता। जब उसकी साम्यावस्था होती है उस कंडीशन में जो कृष्णिका की दीवारें होती हैं और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता। रूढ़ यंत्र की अर्थात जो मैकेनिकल क्वांटिक्स है, जो मैकेनिकल क्वांटम जो है रूढ़ यंत्र की जो है, उसके अनुसार समस्त दोलक पात्र की दीवारों द्वारा दी गई ऊर्जा को बराबर बराबर बांट लेते हैं, अर्थात जो ऑसिलेटर होते हैं वो पात्र की दीवार से ऊर्जा लेते हैं और उसको सभी बराबर बांट लेते हैं, अर्थात सभी का दोलन एक साथ होता है। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार दोलक केवल उस स्थिति में उत्तेजित हो सकते हैं, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी क्या कहती है कि जो दोलक है वो केवल उसी स्थिति में उत्तेजित हो सकते हैं यदि वे कम से कम एच न्यू के बराबर ऊर्जा ग्रहण कर लें। मतलब अगर किसी दोलक को एच न्यू से कम ऊर्जा मिलती है, एच न्यू से कम ऊर्जा मिलती है तो वो कभी भी उत्तेजित नहीं हो सकता, अर्थात वो दोलन नहीं करेगा। चूंकि उच्च आवृत्ति वाले दोलक के लिए इसका मान काफी अधिक होता है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जिसकी आवृत्ति है वो अधिक है, तो उसके लिए इसका मान भी अधिक होगा और पात्र की दीवारों द्वारा इतनी ऊर्जा देना संभव नहीं होता, अतः वे उत्तेजित नहीं हो पाते। अर्थात क्वांटीकरण से उच्च आवृत्ति वाले दोलकों का योगदान रुक जाता है। तो जब हम क्वांटीकरण करते हैं ऊर्जा का, उस कंडीशन में जो उच्च आवृत्ति वाले दोलक हैं उनका तो योगदान ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनको इतनी ऊर्जा मिल ही नहीं पाएगी जिससे कि वे दोलन कर सके, अर्थात उत्तेजित हो सके, अर्थात उनका योगदान यहाँ पर खत्म हो जाएगा क्योंकि उनको उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती। इस स्थिति में यदि लैम्डा से डी लैम्डा तक के क्षेत्र के लिए ऊर्जा का घनत्व परिकलन किया जाए, इस स्थिति में लैम्डा से डी लैम्डा तक अगर ऊर्जा के घनत्व के बारे में हम बात करें तो उसका निम्न समीकरण होता है, प्लांक विकिरण बराबर होता है डीयू इक्वल टू रो लैम्डा डी लैम्डा, तो रो लैम्डा यहाँ पर बराबर होगा 8 पाई एचसीए अपॉन लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल माइनस एचसीए अपॉन लैम्डा केटी अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एचसीए अपॉन लैम्डा केटी। इसके अनुसार ये समीकरण आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए, पूरी समीकरण। इसके अनुसार यदि वेवलेंथ का मान कम हो तो एचसीए अपॉन लैम्डा केटी का मान अधिक हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा नीचे है तो इसका मतलब वेवलेंथ का मान कम है तो उसका मान ज्यादा हो जाएगा, और ई एक्सपोनेंशियल माइनस एचसीए अपॉन लैम्डा केटी का मान शून्य के लगभग हो जाएगा, तो इसका पूरे का मान लगभग शून्य के बराबर हो जाएगा, तब ऊर्जा घनत्व भी शून्य हो जाएगा, और क्योंकि ये जब जीरो हो गया तो सबके साथ गुणा करेगा तो जीरो हो जाएगा, तब ऊर्जा घनत्व भी शून्य हो जाएगा। इसके विपरीत यदि तरंग दैर्ध्य का मान अधिक हो तो एचसीए अपॉन लैम्डा केटी का मान कम हो जाएगा, एचसीए अपॉन लैम्डा केटी का मान कम हो जाएगा और कोष्ठक वाले व्यंजक का, मतलब ये वाला जो व्यंजक है, इस व्यंजक का मान लगभग 1 माइनस कोष्ठक वाला जो व्यंजक है उसका मान लगभग 1 माइनस एचसीए अपॉन लैम्डा केटी के बराबर हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में जो प्लांक समीकरण है वो रेलेज जीन समीकरण के बराबर ही हो जाएगी। इस प्रकार प्लांक समीकरण जो होती है वो समस्त अंतरिक्ष पर लागू होती है, अर्थात लैम्डा का मान बहुत ज्यादा हो जाए तब भी लागू हो जाएगी और लैम्डा का मान बहुत कम हो जाए तब भी लागू हो जाएगी। इसके आधार पर स्टीफन समीकरण को भी समझाया जा सकता है, किसी दिए हुए ताप पर यदि ऊर्जा घनत्व को समस्त वेवलेंथ लैम्डा 0 से लैम्डा इंफिनिटी तक समाकलित इंटीग्रेट किया जाए तो स्टीफन समीकरण प्राप्त होगी u = at की पावर 4। यहां a क्या है 4 सिग्मा अपॉन c तथा सिग्मा यहां पर क्या है पाई स्क्वायर k4 अपॉन 60 c स्क्वायर h³। स्थिरांकों के मान रखने पर सिग्मा का मान 5.67 * 10 टू द पावर 8 वाट मीटर माइनस 2k माइनस 4 प्राप्त होता है, जो कि प्रायोगिक मानों के अनुकूल है, तो इसको हम स्टीफन समीकरण को भी यहां से सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट, जिन वेवलेंथ के लिए dp / d लैम्डा का मान शून्य हो उच्च ताप पर निम्न समीकरण देते हैं, तो वीन समीकरण को भी हम यहां पर सिद्ध कर सकते हैं। तो t लैम्डा मैक्सिमम बराबर hc/5k स्थिरांक है, इस स्थिरांक का मान 2.878 × 10⁻³ मीटर केल्विन आता है, जो प्रायोगिक मानों के बराबर है, मतलब इसको भी प्लांक से निकाले तब भी आ जाएगा, इसको भी प्लांक से निकाले तब भी आ जाएगा। और फोर्थ, प्लांक नियम की प्रायोगिक सार्थकता इस बात से है कि दोलकों की ऊर्जा स्वैच्छिक रूप से नहीं हो सकती, जितनी हमने कह दिया वो नहीं हो सकती, इसकी कुछ निश्चित मात्राएं होती हैं, और यह सिद्धांत परमाणु सिद्धांत के बोर के सभी ग्रहित का मात्रात्मक समापन सत्यापन करता है, जिससे उसने कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी नाते के चारों और निश्चित ऊर्जा वाले कोशों में ही गमन कर सकते हैं, निश्चित ऊर्जा वाले कोशों में ही गमन कर सकते हैं। उसी को आइंस्टीन जो प्लांक है उसने समझाया कि वो किस प्रकार से निश्चित ऊर्जा वाले कोशों में गमन कर सकते हैं जिनकी ऊर्जा एच न्यू के बराबर हो। यहाँ पर एक बार हम इसका ग्राफ और देख लें,
ग्राफ किस तरीके से है। अब इसने ये कहा कि जो उच्च आवृत्ति वाले उनका तो कोई योगदान ही नहीं, ठीक है, ये ऊर्जा इस तरीके से बढ़ रही है, तो पहले ऊर्जा इस तरीके से बढ़ेगी, लैम्डा वेवलेंथ इस तरीके से बढ़ेगी, अब धीरे 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 क्या कम हो जाएगी, जैसे जैसे उच्च आवृत्ति हो जाएगी उनका तो योगदान ही नहीं होता इसमें, उन दोलकों का तो यहाँ पर ऊर्जा का तो कोई योगदान नहीं है, क्योंकि उनको इतनी ऊर्जा तो मिल ही नहीं पाएगी जिससे कि वो दोलित कर सके। तो ये जो होता है प्लांट पर आता है, जबकि रिले ब्रिज से कह रहा था कि ये कभी नीचे जाएगा नहीं, हमेशा ऐसे ही चलता जाएगा, ऊपर की तरफ चलता रहेगा, ऊर्जा के साथ साथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का टॉपिक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी हैं। देखिए, जब किसी उचित तरंग दैर्ध्य के, किसी उचित वेवलेंथ के प्राकाश की कोई किरण, वो पराबैंगनी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, प्रकाश की किरण होगी जिसकी वेवलेंथ उचित होनी चाहिए, किसी धात्विक सतह से टकराती है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित उत्सर्जित होने लगते हैं। देखो, ये किरण यहां से आई, आपतित का मतलब होता है इंसिडेंट, जो कि उसके ऊपर पड़ती है, ये किरण यहां पर आई जिसकी ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू के बराबर थी, इसने इस इलेक्ट्रॉन के साथ में टकराया और इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाल दिया, जिसकी एनर्जी E इज इक्वल टू 1/2 mv² के बराबर हो जाएगी। ये धातु है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो आपतित प्रकाश का फोटोन ऊर्जा E इज इक्वल टू एच न्यू, इसने अपनी एनर्जी इसको दे दी और E इज इक्वल टू 1/2 mv² के बराबर हो गया। जब किसी उचित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की कोई किरण किसी धात्विक सतह से टकराती है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित उत्सर्जित होने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अर्थात किसी प्रकाश की किरण द्वारा, किसी प्रकाश की किरण द्वारा किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना, प्रकाश की किरण यहां पर आई और यहां से इसने इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। प्रयोगशाला में इसको इस तरीके से दर्शा सकते हैं और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक डायग्राम है, किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। देखिए प्रयोगशाला में किस प्रकार से दर्शाते हैं, इसमें एक पॉलिश किया गया उपकरण होता है, जिस प्रकार से उपकरण आपके सामने है, जिंक प्लेट को स्वर्ण पत्थर विद्युतदर्शी के साथ जोड़ दिया जाता है, इसके साथ इसको जोड़ दिया जाता है। अब इस धातु की प्लेट पर आर्क द्वारा प्रकाश के फोटोन गिराए जाते हैं, विद्युत प्रकाश से इसके ऊपर गिराए जाते हैं, फोटोन के प्रभाव से धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, फोटोन का प्रभाव होगा धातु की प्लेट होगी उत्सर्जित, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और विद्युतदर्शी के स्वर्ण पत्र खुल जाएंगे, जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे ये जो स्वर्ण पत्र है इस तरीके से खुल जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर तो ये सिर्फ इससे जुड़ा हुआ, तो इस यहां पर हमने कोई लाइट तो लगाई नहीं, लेकिन फिर भी यहां तक प्रभाव कैसे पड़ा, यहां तक इलेक्ट्रॉन कैसे आए, यहां तक इलेक्ट्रॉन इसलिए आए क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर इसने अपना जो प्रकाश छोड़ा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और मूव करता हुआ अंदर आ गया। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाशित इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इनकी ऊर्जा धात्विक सतह पर गिरने वाली आपतित किरणों की आवृत्ति के समानुपाती होती है, अर्थात न्यू का मान जितना उन किरणों के लिए होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे और ऊर्जा उनकी उनकी ज्यादा होगी। प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरणों की तीव्रता पर, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो तो निर्भर करती है तीव्रता पर और जो ऊर्जा होती है वो निर्भर करती है आवृत्ति पर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वांटम यंत्र की व्याख्या, इसकी यहाँ पर देखिए एक बार थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी वगैरह की बात होती है। यह प्रभाव कुछ धातुओं द्वारा जो है दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट में भी दिखाया जाता है, किंतु अधिकांश धातुएं इसको पराबैंगनी प्रकाश में दिखाती हैं, कुछ धातुएं इसको विजिबल लाइट में दिखा देती हैं, लेकिन कुछ धातुएं जो होती हैं इसको पराबैंगनी प्रकाश में दिखाती हैं। सीजियम जो कि निम्नतम आयनीकरण ऊर्जा वाला क्षार धातु है, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, वो यह प्रभाव प्रकाश में दर्शा, ये जो प्रकाश निम्नतम बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर देता है, इसीलिए इसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने के काम में लिया जाता है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल को बनाने के काम में लिया जाता है। तो ये इस तरीके से प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव किस प्रकार से, उसके बारे में प्रकाश विद्युत प्रभाव इस प्रकार से होगा। और अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज हमने किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ा, सबसे पहले कृष्णिका क्या होती है, कृष्णिका वह सतह है जो विकिरणों का संपूर्ण मात्रा में अवशोषण तथा उतनी ही मात्रा में उत्सर्जन कर सकती है, उसे हम कृष्णिका कहते हैं, अर्थात जिसका अवशोषणक इकाई होता है उसको हम कृष्णिका कहते हैं। किरचॉफ का नियम ये कहता है कि किसी दिए गए ताप पर समस्त पिंडों की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषकता का अनुपात स्थिर रहता है, अर्थात ई लैम्डा बराबर होता है ई1 लैम्डा 1 के।
यहाँ पर हमेशा याद रखना है लैम्डा वन जो होता है वो एक से छोटा होता है और लैम्डा जो होता है वो एक के बराबर होता है, और दूसरी बात जो ई होता है वो ई वन से हमेशा बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ई अगर बड़ा है और लैम्डा जो है वो एक के बराबर है और लैम्डा वन उससे छोटा है, तो इसका मतलब ये ई बड़ा है अर्थात इसकी उत्सर्जन क्षमता भी सबसे ज्यादा हो जाएगी, लैम्डा अर्थात इसकी अवशोषण क्षमता भी सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब ये एक उत्तम प्रकार का अवशोषक होगा और उसी के साथ में उत्सर्जक भी होगा। वीन का विस्थापन नियम देखो, विलहेम वीन ने कृष्णिका के ताप और उसके पद्धति में बताया कि लैम्डा मैक्सिमम समानुपाती होता है 1/T के, या d लैम्डा मैक्सिमम बराबर होता है d के, इसको वीन स्थिरांक कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है 2.9×10⁻³ मीटर केल्विन। उसके बाद में इसने एनर्जी के बारे में बताया और एनर्जी के बारे में बताया कि EM मतलब मैक्सिमम जो इमिशन एनर्जी होती है वो परम ताप की 5वीं घात के समानुपाती होती है, अर्थात EM/T5 बराबर स्थिरांक के। समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम संबंध बना सकते हैं E λ d λ = A λ -5 dot F λ d λ, इस तरीके से संबंध यहां से बनता है। उसके बाद में हम बात करेंगे दूसरे नियम के बारे में, जिसको ये क्वेश्चन है इसके आधार पर फिर हम स्टीफन के नियम के बारे में बात करेंगे। किसी कृष्णिका की सतह से इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल द्वारा उत्सर्जित संपूर्ण ऊर्जा उसके परम ताप की 4थी घातांक के समानुपाती होती है, अर्थात E समानुपाती T4 होगा और E बराबर होगा सिग्मा T4। स्टीफन बोल्ट्जमैन स्थिरांक कहते हैं और इसका प्रायोगिक मान 5.67×10⁻⁸ वाट मीटर-2 केल्विन-4 होता है। कृष्णिका की सतह का क्षेत्रफल A तथा समय T हो तो उत्सर्जित ऊर्जा E बराबर A सिग्मा T4T। ऑस्ट्रेलिया के मेरिनो बे सिद्धांत के कारण ही वहाँ के दूध तापमान उस पर खुद को अनुकूल बनाए रखती है और उसकी जो काली बाल होते हैं जो खाल होती है वो उत्तम कृष्णिका विकिरण की तरह काम करती है। उसके बाद में रेले जींस का नियम है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवर्ती दोलक होते हैं सारे के सारे, प्रकाश की प्रत्येक संभावित आवृत्ति एक आवर्ती दोलक को प्रदर्शित करती है, आवर्ती का प्रकट होना अर्थात उस तरंग दैर्ध्य का प्रकट होना, उसके लिए औसत ऊर्जा du लैम्डा बराबर kTn लैम्डा होती है और n लैम्डा का मान रखने पर समीकरण इस प्रकार से आ जाएगी। उसके बाद में हमने ये एक बड़ा है प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, तो उसका मतलब जो ऊर्जा होती है उसका मान किसी भी तरीके से स्वैच्छिक तौर पर नहीं रखा जा सकता, उसका जो मान रखा जाएगा वो हमेशा रखा जाएगा फोटोन के रूप में, अर्थात ऊर्जा हमेशा पैकेट्स के रूप में पाई जाती है और इस प्रकार से उसका एक सामान्य तौर पर उसको प्रदर्शित किया जाता है। और इसके आधार पर हम अलग अलग प्रकार से जैसे प्लैंक के नियम से हम स्टीफन के समीकरण को भी सिद्ध कर सकते हैं, उसके अलावा वीन के समीकरण को भी सिद्ध कर सकते हैं, खुद इसकी भौतिक सार्थकता है कि दोलकों की मात्रा को हम ऐसे ऐसे प्रदर्शित नहीं कर सकते। प्रकाश विद्युत प्रभाव अर्थात किसी धात्विक सतह पर एक उचित आवृत्ति उचित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को डालने पर वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, किसी प्रकाश की किरण द्वारा किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, और जो ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनकी संख्या तो आपतित विकिरणों की तीव्रता के बराबर होगी, तीव्रता के पर निर्भर करेगी, और जो इनकी आपतित किरणों की आवृत्ति के समानुपाती होगी इनकी ऊर्जा, इनकी ऊर्जा आपतित किरणों की जो आवृत्ति उसके समानुपाती होगी। धातुओं द्वारा दृश्य प्रकाश में दर्शाया जाता है, सीजियम इसको आसानी से दर्शा सकता है, इसलिए इसको फोटोइलेक्ट्रिक सेल बनाने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट यूनिट में हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम यांत्रिकी की व्याख्या किस प्रकार से की जाती है, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्वांटम जो मैकेनिक्स है उसके आधार पर किस प्रकार से समझाया जा सकता है। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।